हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आज मैं, गौरव और नीलेश हैं साथ में। तो आज हम जा रहे हैं नीलेश के नानी के गांव, और नानी का गांव उसी रास्ते पर पड़ता है जिस रास्ते पे हम कल गए थे, मतलब कि किंकेल वाले रास्ते पे। और अभी हम उसी रास्ते पे हैं। हम पहुंच चुके हैं और वहाँ एक प्यारा सा बच्चा है। तो बारिश हो रही है बाहर और हम फंस चुके हैं अब यहाँ बारिश में, और वेट करना पड़ेगा बारिश के रुकने का। नीलेश वहाँ पर बैठ के चना भूज रहा है और भी अलग ही स्टाइल में बैठा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम थोड़े ऊंची जगह पे जा रहे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा सकें थोड़ा ऊंची जगह से। तो ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये है नीलेश की नानी का गांव, और वो वाला घर है जहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वाला घर, और उसके बगल वाला घर भी है। तो फ्रेंड्स, ये चींटियाँ बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और इनका डंक बहुत दर्दनाक होता है, तो इनसे बचकर रहें। अगर कहीं भी दिखता है तो दूर से पार हो जाएं। तो गाइस, ये रहा है एक कटहल का पेड़ और इसमें फल भी लगा हुआ है और वो शायद अभी पकने वाला है। वहाँ ऊपर में कुछ और भी फल दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये गाँव बहुत सारे पहाड़ों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं दिखा रहा मेरे फ़ोन में, और कॉल लगाना हो किसी को, अगर कॉल करना हो तो फिर ऊंची जगह में जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब विदा लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं। अब निकलने का समय आ गया है और नानी ने यहाँ बहुत सारा सामान पैक कर दिया है। मान लिए क्या है, साग है और भी कुछ है, आम है, और उसको क्या बोलते हैं, बेड़े बोलते हैं, उसको बेड़े बोलते हैं। बेड़े साग। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं वापस। तो फ्रेंड्स, हम अभी वापस जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया, नीलेश की नानी के यहाँ गए थे हम और बहुत ही अच्छा खातिरदारी किया उन्होंने, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर। और अब हम वापस जा रहे हैं और समय आ गया है कि व्लॉग को एंड कर दें। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।